कलेरा तहसील मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ। जनाब हमारे यहाँ गांव कलेरा में बहुत परेशानी है क्योंकि यहाँ पे मक्की बहुत हैं और बालू की भी बहुत परेशानी है, ज़्यादातर के मक्की की परेशानी है। वेड लाइट टीम जब पहले यहाँ पे आती थी तो हमें परेशानी कम होती थी, आज वेड लाइट टीम यहाँ पे नहीं है तो हमें बहुत परेशानी है। मक्की घर में आके घुसते हैं, जो मक्की चावल आटा वगैरह घर से घुस कर ले जाते हैं वो खाते हैं, हमें बहुत परेशानी है। हम गरीब लोग हैं, हमारे इधर गरीब लोग रहते हैं, पलेरा हो, मारकोट हो, चिखड़ी, बन, लोरन, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। इसलिए जनाब डीएफओ साहब से हमारी गुजारिश है कि वाइल्ड लाइफ टीम को भेजा जाए और हमारे पलेरा का यहाँ पे विज़िट किया जाए और इनको देखा जाए, मंकी को, इन मंकी के लिए कोई पटाखे वगैरह भेजे जाएं और जाए इनका कोई इंतजाम किया जाए। फारूक अहमद चौकीदार, पलेरा जी, बताइए क्या परेशानी है। हमें सर ये पहले 2 साल पहले यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वाले आते थे, हमें पटाखे मतलब हर चीज़ वगैरह मतलब जो भी देते थे, बोलते थे कि अगर बंदर आए या भालू आए तो आपको हम देंगे, तो उनको भगाने के लिए देते थे। आज 2 साल से ना वाइल्ड लाइफ का कोई आदमी मिला, ना कोई यहाँ कोई किसी भी, हमें डिस्टर्ब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वाइल्ड लाइफ वाले तो हमने आंखों से देखे ही नहीं, आज तक नहीं है, ना हमारी फसलों का कुछ देखा है। हमने हर जगह ये बात पहुँचाई है, MLC शहनाज गणेश साहब से भी हमने एक दफ़ा बात की थी कि हमारी फसलों का तो बुरा हाल है, मतलब ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से मदद है, ना इनको कोई गवर्नमेंट हमारे बारे में, इन बंदरों के बारे में कुछ सोचती है। यहाँ लोगों की बहुत खस्ता हालत है, हर घर में ये परेशानी है, घर से बच्चे बाहर नहीं आ सकते, इतने परेशान हैं कि यहाँ पर बंदर और हर मतलब रीछ वगैरह सब हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ वाले यहाँ नहीं आते। और काफ़ी दफ़ा हमने महकमा इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त की है कि हमारे फसलों की जो है वो हालत देखा जाए। हमारा काफ़ी नुकसान, करोड़ों का नुकसान है इस वक्त, ये नहीं है कि यहाँ पूरे पलेरे में इस वक्त देखो इन्होंने क्या हालत किया है। और अगर इसको, क्योंकि इजाज़त नहीं है ना इनको भगाने की, ना हमारा कोई मदद कोई कर रहा है, इसलिए अगर गवर्नमेंट ये इस वक्त दौर देखा जाए तो मौके पर यहाँ आकर देखा जाए क्या हालत है। अगर ये नीयत हमें गले का कोई इंतज़ाम किया जाए ताकि हम गरीब लोग जो है यहाँ बसर कर रहे हैं, पूरा 6 महीना कोई हम मजदूरी नहीं कर सकते कुछ नहीं, कि इनके जो फसलों में जो है लगातार जो है इनके यहाँ जो है वो कर रहे हैं रखवाली, लिहाजा अगर इनका कोई इंतज़ाम इनका हो तो ठीक है, तो नहीं तो कल जो है हम तमाम लोग जो है वो रोड पर आ जाएंगे तो उस वक्त जो है फिर काफ़ी मुश्किलात हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का इस वक्त हमने काफ़ी दफ़ा जो है इनका जनाब ने देखा भी, तहसीलदार साहब को भी बोला, DC साहब को भी बोला, पहले भी कई दफ़ा हमने ये किसी ने इसके तवज्जा नहीं की, लिहाजा इसका दोबारा हम जो है इसका आज हम पुरजोर अपील कर रहे हैं ताकि हमारे फसलों का, हमारे पूरे जो भी है इस वक्त यहाँ क्या नाम लेते हैं, अब्दुल करीम खान आरो पलेरा। बताएंगे क्या परेशानी? ना परेशानी ये है कि पलेरा 2 पंचायतों पर मुश्तमिल है, पलेरा ANB, तो यहाँ बंदरों का बहुत एक किस्म का कहराम मचा हुआ है, हज़ारों की तादाद में बंदर हैं, तो पूरा परिवार जो है हमारा, पूरे गांव का जितने भी परिवार है सब डिस्टर्ब हुए हैं। लोग घरों के बजाय, लोग अपने रसोइयों के बजाय, सब लोग अपने ज़मीनों में बैठे हुए हैं, ना किसी किस्म का उन्होंने फ्रूट छोड़ा, ना अखरोट छोड़ा और ना ही मक्की छोड़ी, उसके साथ एक से है उसने मक्की काटना शुरू कर दी,
तो मैंने पहले भी एक बार इंटरव्यू फेस किया था, तो मैंने मतलब गुजारिश की थी एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखसूस डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव साहब से, के बड़े नेक तरीत आफिसर हैं, बात को सुनते हैं और फौरी तौर पे उस पर एक्शन किया जाता है। तो बड़ा परेशानी का बायस बना हुआ है, ना तो ज़िम्मेदार ज़मीन के काबिल रहा, ना मक्की के काबिल रहा, ना फ्रूट के काबिल रहा, ना घर के काबिल रहा, क्योंकि बच्चे हमने अपने मकानों में गवर्नमेंट का एहतराम करते हुए, इसका पालन करते हुए, हम बच्चों ने लॉकडाउन में रखा हुआ है, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं, ऑनलाइन क्लासें चलती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने भी नहीं देते हैं कि बच्चे आप जाइए मक्की में, वो बंदर आ गया, वहाँ से बंदर हमारी सब्ज़ी खा गया, वहाँ से बंदर हमारे अखरोट खा गया, या कोई चीज़ ऐसी कर गया, तो बच्चे भी हमने लगाए हुए हैं, औरतें भी, बुज़ुर्ग भी और ख़ुद भी, पूरा दिन हम अपने फसलों में गुजारते हैं। लेकिन गुजारने के बावजूद भी खुद यहाँ डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर साहब से हम गुजारिश करेंगे, मुजमना हमारी गुजारिश हो सकती है कि एक टीम निकालें स्पेशल, जिसमें ये वो तहकीकात करें क्या इन लोगों के अखरोट खाए गए हैं या नहीं, क्या इन लोगों के सेब खाए गए हैं या नहीं, क्या इन लोगों के प्लम्प खाए गए हैं या नहीं, क्या पलेरा में बंदर हज़ारों की तादाद में हैं या नहीं। आज ऐसा वक्त आ चुका है कि किचन में खाना बना के औरतें रखती हैं, जब वो बंदरों के पीछे जाती है पीछे किचन से, वो जो चीज़ बनी हुई होती है वो खा जाते हैं, बाद में वापसी पर पतीली खाली देखने पड़ते हैं। मैं बिलखसूस डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव साहब से मुजबाना गुजारिश करूँगा कि वर्ल्ड लाइफ वालों की तरफ से कोई भी एहसास हमें नहीं है, 1% भी, क्योंकि पहले वक्तों में पटाखे शटाखे दिए जाते थे, वो पटाखे चलाए जाते थे, कम अज़ कम इतना होता था कि बंदर थोड़े भाग के एक दो दिन की हमें सहूलियत मिल जाती थी। आज 24 घंटे हमें परेशानी का बायस बना हुआ है, तो हम मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।